हेलो गाइस, पूरे एक महीने से हम अली एक्सप्रेस से शानदार गैजेट्स इकट्ठे कर रहे थे और अब हम उन्हें आपको दिखाने जा रहे हैं। ये माचिस की डिब्बी है, ये सपाट और चौकोर है, इसीलिए अगर आप इसे गेंद की तरह रोल करने की कोशिश करते हैं तो जरूर कुछ भी काम नहीं करेगा। आखिरकार सिर्फ गोल चीजें ही लुढ़क सकती है, लेकिन चीनियों ने सिस्टम को हैक कर लिया और दावा किया कि ये चौकोर चीज आसानी से लुढ़क सकती है, तो हमने इसे धक्का दिया और ये लुढ़क तो नहीं रहा है, लेकिन बाद में ये बेहतर और बेहतर होता गया और ये चौकोर एक बार में कई बार लुढ़का। वाह! लेकिन फिर हमने सोचा कि क्या होगा अगर हम टेबल की थोड़ी सी ढलान एक तरफ कर दें। देखिए क्या हो रहा है, ये बिना रुके टेबल पर लुढ़कता जा रहा है। ये कैसा जादू है, लगता है कि इस चौकोर चीज ने फिजिक्स के लॉज को तोड़ दिया। हमें नहीं पता कि ये कैसे काम करता है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं ये काम करता है। हम पहले से ही इस पुराने टीवी को फेंकने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि इसमें इंटरनेट या यूट्यूब नहीं चलता है, ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर चीनियों ने मुझे एक पैकेज भेजा जो इसे दूसरी जिंदगी दे सकता था। बॉक्स के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ एक और फ्लैट बॉक्स है। ये वाईफाई और तमाम कनेक्टर्स वाला एक मिनी कंप्यूटर है जो आपके पुराने टीवी को बदल देगा। ये एक छोटे और हल्के रिमोट कंट्रोल के साथ आता है। बॉक्स को टीवी से कनेक्ट करें। ये शुरू हो गया और हमारा पुराना डिब्बा एंड्रॉइड सिस्टम वाले एक मॉडर्न स्मार्ट टीवी में बदल गया। इसमें वो सब कुछ है जो आपको चाहिए, एक ऐप स्टोर, ब्राउजर और यहाँ तक कि नेटफ्लिक्स भी, जिसमें बहुत सारी फिल्में और शोज हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे जरूरी चीज YouTube है और ये यहाँ है। ये पूरी तरह से काम करता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है या नया टीवी खरीदने की चाहत नहीं है तो ये एक बढ़िया ऑप्शन है, बस अपने पुराने को अपग्रेड करें। इतने छोटे से डिब्बे में और भी छोटी चीज आई है। आप सोच रहे होंगे कि ये स्मार्टफोन से किस लिए कनेक्ट होता है। ये किसी भी टीवी या रिमोट कंट्रोल वाले किसी डिवाइस के लिए फोन को रिमोट कंट्रोल में बदल सकता है। अपने स्मार्टफोन पर एक खास ऐप डाउनलोड करके हमने बस सैमसंग टीवी चुना और इसने हमें वो बटन दिए जिनसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। पैकेज में डिवाइस को बैकपैक या चाबियों से जोड़ने का केस भी शामिल है। बस शॉपिंग मॉल या रेस्टोरेंट में टीवी पर चैनल बदलने की कोशिश ना करें, वो ठीक नहीं है। कुछ वक्त पहले हमने अली एक्सप्रेस से फोर आर्म मसल्स के लिए ऐसा ट्रेनर खरीदा था, लेकिन यहाँ एक और ज्यादा एडवांस वर्जन है। आप पिछले वाले की तरह ही एक खास पहिए से कंप्रेशन फोर्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें गिनती के लिए एक काउंटर भी है जो दिखाता है कि आपने कितनी बार ट्रेनर के लिवर को दबाया। याद रखें, खास बात खरीदना नहीं है बल्कि ट्रेन होना है, तभी आपके पास हमारी तरह पावरफुल और मस्कुलर बॉडी होगी। क्या आप जानते हैं कि ये क्या है? नहीं, ये सेल्फ डिफेंस ब्रास नकल्स नहीं है। ये चीजें आपको बाहर फिसलन होने पर गिरने से बचाने में मदद करती है। इसमें कार के टायरों की तरह मेटल के स्पाइक्स लगे होते हैं, आपको उन्हें अपने जूतों पर लगाना होगा। और ये हो गया, अब आपके जूते नुकीले हो गए जिनकी किसी भी सतह पर अच्छी पकड़ होगी। ये एक अच्छी खरीद थी, खासकर आपके दादा दादी के लिए, ये उन्हें गिरने और फ्रैक्चर होने से बचाएगा। ये एक आम रेजर जेलेट है और ये इसके कार्ट्रिज है जिसकी कीमत लगभग $15 है। हमें तब यकीन नहीं हुआ जब हमने AliExpress पर उसी तरह के कार्ट्रिज देखे, लेकिन सिर्फ $5 में। बेशक हमने उन्हें मुकाबला करने के लिए मंगवाया। बाहर से देखने पर दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, ऐसा लगता है दोनों एक ही चीज के बने हुए हैं, अलग सिर्फ रंग और चीनी वर्जन पर कुछ भी नाले के होने का है। ओरिजिनल की ही तरह चीनी कार्ट्रिज ओरिजिनल बेस पर आसानी से लग गया। हमने दोनों वर्जन से एक एक बार दाढ़ी बनाने की कोशिश की और हमें कुछ अलग नहीं लगा। माइक्रोस्कोप के नीचे ब्लेड एक जैसे दिखते हैं, तो सिर्फ एक चीज बची है, वो है इसकी जिंदगी। ओरिजिनल के मुकाबले कॉपी वाला कितने शेविंग सेशन तक जल पाएगा? अगर आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमें स्मार्टफोन के हर तरह के मैग्नेटिक माउंट पर हमेशा शक रहता है, लेकिन आखिरकार हमने इस आसान लेकिन काम के वर्जन को आजमाने का फैसला किया। किट में एक होल्डर और एक मेटल की प्लेट शामिल है जिसे केस के पीछे रखा जाना चाहिए।
या स्मार्टफोन के बॉडी से चिपका होना चाहिए। जरा देखिए, ये आपके स्मार्टफोन से इतनी मजबूती से चिपक जाता है कि हिलने डुलने से ये गिरेगा नहीं। ये इस तरह से एक मोटे चम्मच के केस को भी पकड़ सकता है। हम क्लासिक पुराने माउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें इसमें अपने स्मार्टफोन को फंसाने के लिए दोनों हाथ का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस नए डिवाइस से सब कुछ बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। बस फोन लगाएं, ये होल्डर से चिपक जाता है और आसानी से निकल भी जाता है। ये बहुत ही आसान और कारगर है। सिर्फ सवाल ये है कि क्या मैग्नेट स्मार्टफोन के लिए सुरक्षित है? अपनी राय कमेंट में बताएं। हमने अपने स्मार्टफोन के लिए ऐसा गोल वायरलेस चार्जर खरीदा है। इस बात के अलावा कि ये बहुत स्टाइलिश और खूबसूरत है, ये एक नरम कपड़े से ढका भी हुआ है और इसमें फास्ट चार्जिंग है जो कि स्मार्टफोन को धीरे धीरे गर्म करने लगता है। इसकी सतह पर उभार है जिस पर स्मार्टफोन मेन सतह के ऊपर तैरता हुआ लगता है, जिससे गर्मी को असरदार ढंग से फैलाया जा सकता है। इस डिवाइस के अंदर एक पंखा होता है जो कपड़े से होते हुए आपके स्मार्टफोन को अच्छी हवा देता है, जिससे ये और भी बेहतर तरीके से ठंडा होता है। इन शॉर्ट्स में धुएं की मौजूदगी में आप इस कूलिंग सिस्टम से बनने वाले एयर करंट्स को साफ तौर पर देख सकते हैं और इस तरह अपने स्मार्टफोन को ओवरहीटिंग से बचा सकते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन हमने मैट का दूसरा वर्जन भी ऑर्डर किया था जिसे टॉयलेट सीट पर रखा जाता है। हम इसके बारे में फिर से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ महीनों तक इसका इस्तेमाल करने के बाद हमें एहसास हुआ कि ये एक बहुत अच्छी खरीद है। ये शायद हमारी सबसे कामयाब खरीदारी है जो हर दिन टॉयलेट के बाउल पर बैठने में खास आराम देती है। जिंदगी भर हम अपनी बट पर बर्फीली ठंड का मजा लेते हुए ठंडी सीट पर बैठ रहे थे, लेकिन जब हम मैट पर बैठते हैं तो हमें सिर्फ अच्छी फीलिंग्स आती हैं और कभी कभी हम उठना नहीं चाहते, जैसे कि हम एक कुर्सी पर बैठे हो। हम हर किसी को अपने सिंहासन को अपग्रेड करने के लिए कहते हैं क्योंकि सिर्फ $2 में हम टॉयलेट सीट को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। और हमें समझ नहीं आता कि हमने इसे पहले क्यों नहीं खरीदा था। हमें यकीन है कि आप इसे पसंद करेंगे।